कहता कि ब्यूरोक्रेसी मुख्यमंत्री की बढ़ावी है, अशोक गहलोत सीएम रहना चाहते हैं, पायलट सीएम बनना चाहते हैं, बीजेपी बिना संघर्ष के सत्ता माना चाहती है। की कार्रवाई भी हो गई, मेरी इच्छा पूरी भी हो गई, पर मुझे इंतजार है कि भाई जिन लोगों के नाम जिन लोगों की और शिकायतें रही पार्टी को कमजोर करने के लिए, पार्टी की बातों को पार्टी के खिलाफ सरकार के खिलाफ, अब मुझे नहीं बाकी सबको भी इंतजार रहेगा कि उनके लिए क्या कार्रवाई होगी। सर पायलट के साथ भी बैठेंगे यार, क्योंकि वो भी लगातार नाराजगी, कई बार बैठने हर रोज बैठता हूँ, लग रहा है आपको कोई जब आपको साथ लेकर जाकर बैठे, मानेसर और जयपुर के बाद गहलोत पायलट का जो झगड़ा हुआ है वो है कि थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अब लगता है यह झगड़ा दिलों की दूरियां बढ़ाने लगा है। एक बार इस्तीफा देने के बाद मंत्री महेश जोशी की बात सुनिए। लेकिन जो भी परिस्थिति थी, मैंने इस्तीफा दिया, उस हाईकमान ने मंजूर किया, अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री जी ने मंजूर किया और रंधावा साहब ने इसे कार्रवाई का हिस्सा माना। मुझे खुशी है इस बात की कि कार्रवाई भी हो गई, मेरी इच्छा पूरी भी हो गई, और मुझे इंतजार है कि भाई जिन लोगों के नाम जिन लोगों की और शिकायतें रही पार्टी को कमजोर करने की, ये पार्टी की नीति बातों पर पार्टी के खिलाफ सरकार के खिलाफ, अब मुझे ही नहीं बाकी सबको भी इंतजार रहेगा उन पे भी क्या कार्रवाई होती है, वो कार्रवाई हो और सब कार्यकर्ताओं में बराबरी का संदेश जाए। आला कमान का डंडा चलने से पहले ही इस्तीफा देने वाले महेश जोशी ने कहा कि मेरे ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो मुझे मंजूर है, लेकिन इस बात का इंतजार रहेगा कि बाकी लोगों पर कार्रवाई कब होगी। महेश जोशी ने साफ तौर पर कहा तो नहीं, लेकिन मान जरूर लिया कि 25 सितंबर को जो हुआ था वो गलत हुआ था। खैर, ये ड्रामे और झगड़े अभी कांग्रेस की और कलह खोलने वाले हैं। और तो और, चुनावी साल में कांग्रेस की कलह खोलने सब मैदान में उतर चुके हैं और देखिए शुरुआत में ही ऐसे उतरे हैं कि गहलोत मानो चौतरफा घिर चुके हैं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अनाज देंगे, आपको नहीं लगता ये बजट गरीबों का है? हाँ, मुझे लगता है सरकार गरीबों की नहीं है, अगर होती तो उनको जो है जान के लाले पड़ते क्या? तो पहली बात ये है, अनाज को कब दिया जाता है, रिश्वत कब दी जाती है, पिछले चार साल में अनाज क्यों नहीं दिया आपने, पिछले चार साल में आपने भर्तियां क्यों नहीं दी, क्यों आपने थर्ड ग्रेड टीचरों को जो है उनका स्थानांतरण नहीं किया, ट्रांसफर नहीं किए, क्यों उन्होंने सीएचओ के आज तक जो बच्चे जो है सड़कों पर धक्के खा रहे हैं, अभी चढ़े तो टंकी पे आपने मुझसे नहीं पूछा कि उनका क्या होगा। ये सरकार निकम्मी सरकार है, जितना अन्याय दलित पिछड़े आदिवासियों ने सरकार में सहा, शायद और मुसलमानों ने भी सहा, मैं तो बंधवा वोटर समझे जाने वाले मुस्लिम भाइयों को भी कह रहा हूँ कि जो आपके बच्चों की रक्षा नहीं कर पा रहे उनके भरोसे मत रहो, आजाद समाज पार्टी का साथ दो और फिर देखो। तो एक जुनैद की हत्या से 13 बच्चे यतीम हो चुके हैं, 13 बच्चे यतीम हो चुके हैं, और ये जितना भी आप इसका कंडेम करे वो कम होगा। और अफसोस की बात यह है कि राजस्थान की जो पुलिस है और हरियाणा की पुलिस, वो इन तमाम गुंडों को, क्रिमिनल्स को, टेररिस्ट को खुली छूट दे दी है कि वो आते हैं मेवात में और लोगों को मारते हैं, पीटते हैं, उनको उठाकर लेकर जाते हैं। जुनैद और नसीर को जो किडनैप किया गया था, उसी वक्त गोपालगंज पुलिस स्टेशन में जाकर इत्तला दी गई, कंप्लेन दी गई, अगर वो फौरन हरकत में आते तो शायद आज वो जिंदा रहते। राजस्थान के लोगों ने हमेशा से भाजपा को भरपूर प्रेम दिया है, लेकिन मुझे एक बात का अफसोस भी है। मैं कई बार सोचता हूं कि अगर बीते 5 सालों में राजस्थान में डबल इंजन की पावर लगी होती तो यहाँ का विकास कितना तेज हो जाता। क्या रावण, क्या ओवैसी और क्या पीएम मोदी, राजस्थान में सबके टारगेट पर सीएम गहलोत ही हैं। चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण ने फिर दलितों के लिए इंसाफ मांगा है, ओवैसी ने मुसलमानों का हक और मोदी ने सबका साथ सबका विकास का मुद्दा उठाया है।
इसी बीच कल ओवैसी ने सीएम गहलोत पर खूब आग भी उगला। भरतपुर के दो लोगों की हरियाणा के भिवानी में हत्या कर दी गई। कल ओवैसी उन्हीं के परिजनों से मिलने पहुंचे और जब मिलकर निकले तो गहलोत और मोदी दोनों पर बरसे। हालांकि बहाना चाहे जो भी हो, ये तो तय है कि भरतपुर के बहाने ओवैसी राजस्थान में सियासत भी कर रहे हैं। हालांकि फिलहाल ओवैसी की पार्टी AIMIM का राजस्थान में कुछ खास प्रभाव नहीं है, ना एक सीट है और ना एक वोट परसेंट। लेकिन इस बार ओवैसी ने राजस्थान में 40 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। अब देखना होगा ओवैसी के ये ऐलान वोटों में कितना तब्दील होते हैं। उधर दो महीने में दूसरी बार राजस्थान आए पीएम मोदी के निशाने पर भी गहलोत आ चुके हैं और पीएम मोदी की नजर में है राजस्थान। अभी कुछ दिन पहले बजट सत्र के दौरान जो कुछ हुआ उसकी चर्चा चारों तरफ है। साथियों, मैं मानता हूं गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन इससे ये भी पता चलता है कि कांग्रेस के पास ना ही विजन है और ना ही उसकी बातों में कोई वजन रह गया है। कांग्रेस के लिए बजट और घोषणाएं होती ही कागजों में लिखने के लिए, योजनाएं और कार्यक्रमों को जमीन पर लागू करने में कांग्रेस का कोई इरादा नहीं होता। साथियों, सवाल ये नहीं है कि कौन से वाला पड़ा, सवाल ये है कि पहले वाला जब पड़ा था साल भर उसको डिब्बे में बंद रखा था, इसके कारण ये हुआ है। पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया है कि अब राजस्थान में भी मोदी का राज आएगा, बीजेपी की सरकार बनेगी। ऐसे में अब राजस्थान में कांग्रेस की राह कांटों से भरी रहने वाली है, क्योंकि गहलोत के दुश्मन अभी खत्म नहीं हुए। और बजट जिस तरह लीक हुआ, 8 मिनट तक बजट मुख्यमंत्री पहले का पड़ गए और बीजेपी को पता नहीं लगा। बीजेपी के बाद में अधिकारियों ने बताया कि एक गलत बजट, इसका मतलब अधिकारियों को पहले से बजट का पता था। दर्शक दीर्घा में आके कान में मुख्य सचेतक ने सीएम के कान में कहा। और बजट लीक की दूसरी घटना 98 से 3 के कार्यकाल में भी गहलोत के एक भरतपुर के निर्दलीय विधायक जिन्होंने बजट को आधा घंटा पहले ही बाहर आके पढ़ लिया था कि बजट ये पेश होने वाला है। तो ये जो पुनरावृत्ति हुई और उसके अंदर मुख्यमंत्री का ये कहना कि ये मानवीय भूल है, किसी पे कार्रवाई नहीं करना, ईश्वर इंगित करता कि ब्यूरोक्रेसी मुख्यमंत्री पर हावी है। अशोक गहलोत सीएम रहना चाहते हैं, पायलट सीएम बनना चाहते हैं, बीजेपी बिना संघर्ष किए सत्ता मारना चाहती है। अब इनको कौन नहीं जानता, आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल भी पूरे दमखम के साथ गहलोत पर तीखे वान चला रहे हैं और विरोधियों के चक्रव्यूह में गहलोत पूरी तरह फंस चुके हैं। ये बात अभी नहीं लेकिन जल्द सामने आएगी। हमने आपको पहले भी बताया था कि 25 सितंबर वाले ड्रामे पर जल्द आलाकमान की गाज गिरेगी, जो अब गिरना शुरू हो चुकी है। अब देखना होगा गहलोत के त्रिमूर्तियों पर आगे क्या और कितनी कार्रवाई होती है। बहरहाल राजस्थान में गहलोत पायलट के मझधार पर सवार कांग्रेस के लिए एक बड़ी मुसीबत ये भी है कि 25 सितंबर की रात पर आला कमान जल्द कोई फैसला नहीं ले पा रहा और इस फैसले में जितनी देरी हो रही है उतना ही राजस्थान में कांग्रेस का दम घुट रहा है और सबसे ज्यादा पायलट कैंप का। जी हाँ, कार्रवाई गहलोत गुट पर हो रही है और दम पायलट कैंप का घुट रहा है, क्योंकि गांधी परिवार के बाद नया आला कमान है और नए प्रभारी हैं सुखजिंदर रंधावा, जो गहलोत गुट पर दनादन डंडा चला रहे हैं। आला कमान बगावत पर कोई फैसला नहीं कर पा रहा, विरोधी चौतरफा हमला बोल रहे हैं। गहलोत अपने काम का बखान करके फिर से सीएम बनने का ख्वाब देख रहे हैं और सचिन पायलट का सब्र टूट चुका है। ऐसे में अब सियासी जानकार मानते हैं कि अगर जल्द कांग्रेस ने कोई कठोर फैसला नहीं लिया तो राजस्थान में बड़ा नुकसान हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।